हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड. तो एज यू नो, वी ऑन द डिफेंस स्टडीज प्लेटफॉर्म वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज दैट आर बीइंग आस्क्ड इन CAPF. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2015. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट सीरीज इज Which one of the following statements regarding baking powder is not correct? Baking powder से related कौन सा statement incorrect है? Here I have provided you the text. अब हम इनके जो options हैं वो देखते हैं. देखिए, baking powder एक mixture है. Baking powder जो है वो एक mixture से ही मिलके बना हुआ है, right? It forms bubbles in a wet mixture. जब भी हम इसको किसी water में mix करेंगे तो ये bubbles बनाता है और उसी की वजह से इसको ये fluffiness ही provide करता है. So it can be used instead of using yeast. हम yeast के comparison में इसको use कर सकते हैं, right? Use कर सकते हैं, क्योंकि yeast को भी हम fermentation के लिए use करते हैं और ये भी हमें वही same process provide कर देता है. It does not contain sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate और sodium hydrogen carbonate का मतलब एक ही होता है. आप देखिए कि ये किससे मिलके बना हुआ है, sodium hydrogen carbonate से ही मिलके बना हुआ है. So this statement is incorrect. और इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि आप incorrect बताइए. So it does not contain sodium bicarbonate. Next question है आपका. Match list one with list second and select the correct answer using the code given below. आपको इस लिस्ट में जो भी दो लिस्ट दी हुई हैं, आपको उनके कलर्स मैच करने हैं. कंपाउंड है और कलर है. देखिए, हाइड्रस कॉपर सल्फेट का बहुत क्लासिक कलर है कि वो ब्लू ही होता है. पोटेशियम पर मैग्नेट हमने टाइट्रेशन की हुई है, उसका बहुत क्लासिक कलर है कि पिंक होता है. बचा यूरिया एंड लेड सल्फाइड. यूरिया हम अपने इसमें खेतों में भी यूज करते हैं. सो यूरिया इज व्हाइट इन कलर. व्हाइट कलर के पैलेट्स आपको देखने को मिलते हैं. और लास्ट आपका बचा लेड सल्फाइड विच इज ब्लैक इन कलर. सो आंसर विल बी अकॉर्डिंगली ए. आफ्टर दैट मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी है ना, मैं बार बार बता रही हूँ, ऑलमोस्ट हर एक ईयर में ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो रहा है कि जो आपके आइसोटोप्स हैं और उन आइसोटोप्स की क्या एप्लीकेशन है. आई थिंक 2016 में भी था ये क्वेश्चन. आपको लिस्ट वन एलिमेंट दिया हुआ है, आइसोटोप दिया हुआ है, फिर उसकी एप्लीकेशन बताई हुई है, उससे मैच करना है. यूरेनियम को हम कैंसर के सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी कैंसर में यूज करते हैं. कोबाल्ट को हम कैंसर के लिए यूज करते हैं. कोबाल्ट और यूरेनियम दोनों कैंसर के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो यूरेनियम है उसको सेकेंडरी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. आयोडीन रिपीटेड है, गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. और रेडियम, रेडियम एक आपका जो रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर फ्यूल में भी यूज किया जाता है. यहाँ पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं इस वाले चैप्टर में से. आपके आइसोटोप वाला टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा टिपिकल बायो हो गया. हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन क्या होता है? देखो, आपको हीमोग्लोबिन पता है कि हीमोग्लोबिन हमारे ह्यूमंस के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है. इसी तरह से जो हीमोसाइनिन है वो कुछ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स, इनवर्टिब्रेट एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है. सो हीमोसाइनिन इज एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मेटालोप्रोटीन. ये एक मेटालो प्रोटीन है, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर मेटल्स इंक्लूडेड हैं और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन करता है ना, वैसे ही कुछ एनिमल्स में हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है. दिस प्रोटीन कंटेन्स, इस प्रोटीन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? देखिए, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड टू कॉपर आयंस प्रेजेंट है. So two copper atoms are present. So this option will be correct. Next question, देखिए, which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा statement correct है? इसमें आपको क्या पूछा हुआ है? Water of crystallization के बारे में पूछा है. Water of crystallization का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे कुछ crystals form होते हैं तो उन crystals में कुछ water content, some amount of water molecules present होते हैं. जितना amount of water molecule present होगा एक particular crystal में वो fixed होता है, उसको हम बोलते हैं water of crystallization. तो आपका
यहाँ पे तीन स्पीशीज के बारे में बात हो रही है. फर्स्ट इज आयरन सल्फेट, सेकेंड इज कॉपर सल्फेट एंड थर्ड इज जिंक सल्फेट. इन तीनों में सिर्फ इसी के बारे में बात हो रही है. तो देखिए मैंने आपको इजीनेस के लिए यहाँ पे लिखा है FeSO4. FeSO4 में आपके 7H2O प्रेजेंट होते हैं. CuSO4 उसमें आपके 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं. जिंक ZnSO4 उसमें भी 7H2O है. दैट मीन्स फेरस सल्फेट और जिंक सल्फेट में 7H2O है जबकि कॉपर सल्फेट में क्या है 5H2O. सो आयरन सल्फेट एंड जिंक सल्फेट हैव सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जबकि आपके कॉपर सल्फेट में क्या होता है डिफरेंट होता है अमाउंट. यहाँ पे आपको अलग अलग क्रिस्टल्स का और भी दिखाया हुआ है जैसे कि आपका सोडियम कार्बोनेट में कैल्शियम सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. आप ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी अच्छा टॉपिक है वैसे जी. ये देखिए आपका अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक थियोरीज कि आपके कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया है उसके बेसिस पे आपको क्या क्या थियोरी दी है. जैसे आपके फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जे डी वॉटसन ने आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताया था. लुईस पास्टर हम उनका माइक्रोबायोलॉजी देखते हैं ना हमने फर्मेंटेशन उनके बारे में पढ़ा है. तो लुईस पास्टर ने पास्चराइजेशन माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डील किया था. कार्ल लीनियस जिन्होंने हमें टेक्सोनॉमिक हायरार्की दी है. 2016 में क्वेश्चन था ना टेक्सोनॉमिक हायरार्की कौन सा करेक्ट लेवल है तो कार्ल लीनियस ने हमें टेक्सोनॉमी प्रोवाइड किया है. एंड देन चार्ल्स डार्विन में हमें डार्विन थियरी दी थी डार्विन इवोल्यूशन थियरी. तो इसके अकॉर्डिंग हमने मैचिंग की है एंड देन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट. या इट इज रिपोर्टेड दैट ये देखा गया है दैट देयर इज एन ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच वैल्यू ऑफ ओशन वाटर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि आपका ग्लोब जो है वो गर्म हो रहा है. उस ग्लोब के गर्म होने की वजह से जो आपका ओशन वाटर है उसका पीएच दिन ब दिन कम होता जा रहा है. पीएच का कम होना मतलब एसिडिफिकेशन होना. मतलब क्या हो रहा है ओशंस जो हैं वो एसिडिफाई हो रहे हैं. अब जो ओशंस अगर एसिडिफाई हो रहे हैं तो मतलब जो वाटर है उसमें क्या फॉर्म हो रहा है एसिड फॉर्म हो रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है क्यों क्योंकि जो वाटर है उसमें CO2 मिक्स होती जा रही है और वो CO2 वाटर के साथ मिलके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देती है जो कि एक वीक एसिड है एंड विच डिक्रीज द पीएच ऑफ ओशन वाटर. सो इट happens due to क्यों हो रहा है लार्ज अपटेक ऑफ CO2 बाय ओशन वाटर क्योंकि जो ओशन वाटर है वो काफी ज्यादा CO2 को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है और इसीलिए हमारा एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आपका ये स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन है. इसमें आप सबसे पहले जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो प्लीज जरूर ध्यान से पढ़िएगा. अब देखिए फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट है फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है उसमें क्या है कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट स्टेटमेंट का. सेकंड वाले में बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू दोनों स्टेटमेंट्स ठीक तो हैं लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. थर्ड की फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है लेकिन सेकंड फॉल्स है और फोर्थ वाले में फर्स्ट फॉल्स है और सेकंड ट्रू है. अब देखिए इन्होंने क्या कहा है ऑल द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज फ्रॉम द सन थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जितनी भी एनर्जी हमारी अर्थ पे आ रही है सन से वो किसके थ्रू आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू आ रही है. ये सारा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है. विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट की फॉर्म में ही हमारे पास सन की एनर्जी आती है तो ये दोनों EM का ही पार्ट है EM वेव्स का. सो दिस इज करेक्ट. द अर्थ ऑल्सो रेडिएट्स बैक ऑल द रिसीव्ड एनर्जी थ्रू वेरियस वेज टू मेंटेन द हीट बजट ऑफ द प्लैनेट. आपकी जो अर्थ है उसके पास जितनी भी एनर्जी आती है वो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है ना जो कि ग्लोबल वार्मिंग के केस में ग्रीन हाउस इफेक्ट के केस में नहीं हो पाता है. सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है लेकिन दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो वी विल टिक द आंसर एज बी क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट भी ठीक है सेकेंड भी ठीक है लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ओके ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है.
विच वन अमंग, और वैसे भी जितने भी आपके एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, वो तो आपको ध्यान से करने ही चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज आपके एसेज वगैरह में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं. विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. सबसे पहली बात, ग्रीन हाउस गैस होता क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट करवाए. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि आपकी जो सन की रेज है वो अंदर तो जा रही है लेकिन वो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रही. जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की, तो दे आर जस्ट गोइंग इनसाइड बट दे आर नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक. जिसकी वजह से आप ये मान लो कि आपकी एक कार कोई खड़ी हुई है बाहर धूप में और वो कितनी गर्म हो जाएगी, राइट? सो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसेज हैं? और यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वाटर वेपर, सीएफसी, मिथेन एंड नाइट्रोजन. तो वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैसेस का काम, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करते हैं. सीएफसी तो बहुत बड़ा फैक्टर है. मिथेन इज ऑल्सो अ मेजर ग्रीन हाउस गैस. लेकिन लास्ट है नाइट्रोजन. देखिए जी, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कभी भी ग्रीन हाउस गैस का काम नहीं करेगी, लेकिन जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे ना, NO, N2O, NO2, ये सभी ग्रीन हाउस गैस का काम करेंगे. सो ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स आर. जो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है, एसिटाइलिन का मतलब दो कार्बन और ईन, मतलब इसमें जो इसका कॉमन नेम है, वैसे अगर इसका आयोपिक नेम देखे तो इट इज इथाइन. तो मतलब दो कार्बन है और क्योंकि यहाँ पे आइन दिया हुआ है, दैट मीन्स थ्री कार्बन, थ्री बॉन्ड्स के साथ वो दोनों अटैच्ड हैं. तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ साथ ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. जो ये कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp. तो इसी वजह से इसके ऊपर क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. और इसी वजह से जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है. अब देखिए, ये आपका डायरेक्ट सीबीएसई के एग्जाम्पल में से क्वेश्चन उठ के आया हुआ है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कंसीडर्ड एज एन एसिड. इनमें से कौन से कंपाउंड को हम एसिड नहीं कहेंगे? आपको चार स्पीशीज दी हुई है, BF3, AlCl3, NH3, C6H5OH. देखिए, एसिड क्या होता है, कोई भी ऐसा स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है. बेस क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके. इन सब में ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये ले लेगा तो ये एसिडिक नहीं रहेगा पूरा कंपाउंड. AlCl3 में जो Cl क्लोरीन है वो आपका हैलोजन है, तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रहने देगा. C6H5OH में जो O जुड़ गया है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उसको नहीं, उसके ऊपर कोई भी चार्ज रहने देगा. लास्ट क्या बचा हमारे पास, NH3. NH3 के पास, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दो लोन पेयर प्रेजेंट है. लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये डोनेट कर पाएगा, इसीलिए कैसे बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा. ये आपका NCERT का ही एक एग्जाम्पल है. Why does NH3 act as a Lewis base? NH3 Lewis base की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? क्यों? क्योंकि इसके पास वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि डोनेशन के लिए अवेलेबल है. जब भी डोनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, वो Lewis base की तरह बिहेव करेगा. आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ. सी इन my every other video I am telling you, if you have any doubts, please feel free to ask us in the comment section or in our Telegram channel. So you are most welcome to ask the questions. Next question hai aapka, movement of outer electrons in the inner orbits of an atom produces. Jab aapke outer electrons inner orbits of atom mein move kar jate hain to wo kya produce karte hain? देखिए, जो आपकी एक्स रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं. जब भी वो आउटर से इनर ऑर्बिट्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है. इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी. सो ये आपका टिपिकल लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, दैट मीन्स एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, EM वेव्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो, आपके ना साइंस की अगर हम बात करें तो कुछ ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं,
जिनमें से क्वेश्चन बार 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 कॉन्सेप्ट वही, मतलब बस उसको घुमा फिरा रहे हैं और वही क्वेश्चन जब बस रिपीट होता जा रहा है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं तो आपको बार बार ज्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारी जो जितने भी हम सीरीज निकाल रहे हैं अगर आप उनको भी ध्यान से देखते हैं तो मोस्टली टॉपिक जो है वो कवर हो रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा रेज कंसिस्ट ऑफ, गामा रेज जो है वो किस में आती है। देखिए जो आपकी गामा रेज है वो किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है। सो मेसन पार्टिकल्स, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, हिग्स बोसन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो आपकी गामा रेज है वो लॉन्ग रेडियो, जो गामा रेज है से और उससे लेके रेडियो वेव्स तक, जितनी भी गामा से और लॉन्ग रेडियो वेव्स तक जितनी भी वेव्स आती हैं दे आर कंसीडर्ड अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके आपको नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी इंफ्रारेड से आ रहे हैं, कभी माइक्रोवेव से आ रहे हैं, कभी यूवी रेज से, कभी एक्स रेज, कभी गामा रेज। तो ईएम आपका पूरा ही इम्पोर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन जो कि बार बार आ रहा है। हैवी वाटर ऑफ एन एटॉमिक रिएक्टर इज, हैवी वाटर जो एक एटॉमिक रिएक्टर में हम यूज करते हैं वो क्या होता है। इट इज एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप बाय हार्ट कर लो कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप को, ड्यूटीरियम को हम क्या बोलते हैं, हैवी वाटर बोलते हैं। सो ड्यूटीरियम जिसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं उसको हैवी वाटर भी कहा जाता है। इट इज एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। या इन अ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस का रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है मतलब उसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रही हैं, तो उस केस में एन इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एमिटेड, एक इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है। दिस मे हैपन ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके ना कुछ अलग अलग तरह के डीके होते हैं, जैसे कि आपका अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, जिनको आपको ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा। सो इन दिस केस जब आपका इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो वो बीटा डीके के केस में ही होता है। सो एन इलेक्ट्रॉन इज क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन इन अ प्रोटोन। जो आपका न्यूट्रॉन है वो प्रोटोन में चेंज हो जाता है और उस केस में क्या निकल जाता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है। सो ये आपका डायरेक्ट रिमेम्बरेंस क्वेश्चन है। ये इसमें आपका कुछ समझाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके आपके तीन डीकेज हैं दैट यू विल हैव टू लर्न। ओके सो वी आर डन विद द 2015 प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज फील फ्री टू कमेंट अस। थैंक यू।